हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के फैशंस न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर में वेस्ट मटेरियल से कुछ डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं। तो मैंने अभी हाल ही में अपने रूम को रेनोवेट करवाया था, तो मेरे पास ये कुछ कर्टन बच गए थे जो कि मैंने नीचे से उनकी लेंथ कम की थी, तो ये फैब्रिक मेरे पास बच गया था, ये पिंक कलर में एंड ये लाइट ग्रे कलर। तो अभी इनसे मैं बनाने वाली हूँ कुछ न्यू। तो सबसे पहले, और वो न्यू क्या होने वाला है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये फैब्रिक हमारे पास ये है दो टुकड़ों में। सेकंड ये हमने ले लिया है, अभी हम इसकी करेंगे कटिंग। ये मैंने फोर फोल्ड कर रखा है, ऊपर का जो राउंड शेप है पहले हम वो कट करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर फोल्ड कर लेंगे इस फैब्रिक को। फोर फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से लेंगे 7.5 इंचेस। ओके, यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई हुई है क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास विड्थ में कम था, इसलिए मैंने सिलाई लगा के ये यूज़ लिया है। 7.5 इंचेस पे आप थोड़े थोड़े स्पेस से मार्क कर लें क्योंकि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल की फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो सिलाई करने के बाद वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से थोड़े थोड़े स्पेस पे मार्क कर लो, फिर इनको ऐसे मिला दो इस तरीके से। फिर जब कटिंग करो तो थोड़ा सा इससे बाहर रख के कटिंग करो, जो मार्क किया है हमेशा वो मत करो क्योंकि बाई चांस अगर कर लिया हमने कटिंग। अभी इसको खोल के इस तरीके से रखो, कहीं से भी कोई कॉर्नर बाहर तो नहीं निकल रहा है ना, ये देख लो कि हमारा सर्कल पूरा सही तो है ना, हमारा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने कट कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये हो चुका है, अभी सेकंड जो रिबन इस पे लगा हुआ है वो हम कट करेंगे। दो रिबन में साथ में कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो रिबन की विड्थ हमें देख लो पहले आप ऐसे फोल्ड करके कि आपको कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। ये है 1.5 इंचेस, मैं लूँगी 4 इंचेस ताकि वो सिलाई लग के 2 इंचेस या 1.5 इंचेस तक बचेगा। 4 इंचेस के इस तरीके से मार्क कर लो, फिर हम कट कर लेंगे इनको। ये हम रिबन के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रिप्स। सेम दो और कट कर लेंगे हम। इसको इस तरीके से ऊपर रख के आप बिना नोट किए भी कट कर सकते हो। ये हमारी स्ट्रिप्स कट हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा हम डाल देंगे। अभी ये जो मेरे कर्टन का फैब्रिक था मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इतना लिया है, कोई मार्किंग मैंने इस पर नहीं की है, कुछ भी नहीं है। लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, 17.5 इंचेस है। तो मैंने जब उसके, क्योंकि मैं जिसका कवर बना रही हूँ उसकी लेंथ इतनी है, जितनी लेंथ हो उससे आपको 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग वगैरह के लिए। अभी जो ये सर्कल हमने कट किया है इसके साथ हम इस तरीके से हमें जोड़ना है पूरा, ये यहाँ पे रख के जो कॉर्नर है इस तरीके से यहाँ पे हमें पूरी ऐसे राउंड में पूरी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी, ये देखो मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है, जो राउंड हमने कट किया था सर्कल उसके साथ ये पूरा फैब्रिक अटैच कर लिया और यहाँ से मैंने सिलाई दे दी है। अभी हम इसे सीधा कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। अभी जो नीचे का पार्ट है ये वाला, यहाँ पे हम इस तरीके से इतना फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके पूरे के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो अभी नीचे से मैंने फोल्ड करके पूरा तैयार कर लिया है, पूरे नीचे में मैंने फोल्ड लगा ली है। अभी जो हमने ये स्ट्रैप के लिए पट्टियाँ कट की थी इससे हम पूरा रिबन बना लेंगे।
जो कि पूरा तैयार होने के बाद जब हम इसे पहनाएंगे तो देखो पुराने वाले में मैंने एक लगा रखा है रिबन, इसी तरीके से हम ये लगाएंगे। तो अभी हम नीचे में पूरा, या तो आप चाहो तो इलास्टिक डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें डोर डाली है क्योंकि डोर नॉट लग के यहाँ नीचे बंद जाएगी। आप चाहो तो इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो इसमें मैंने एक नॉट लगा के फिर मैं सेफ्टी पिन से ये डाल रही हूँ पूरा इसके अंदर। अभी ये डलने के बाद हम इस पे लगाएंगे और नीचे में हम इसे पूरा खींच के नॉट लगा लेंगे। फिर जो हमने रिबन बनाया है वो इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और उस पे भी दो नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है। और डिज़ाइन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं ये भी ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे पोस्ट करें वो सीधा आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।